राधे राधे राकेश जी। राधे राधे जी, आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। पहले मैं सबको बताना चाहती हूँ कि राकेश जी क्या काम कर रहे हैं, मतलब इतना महान काम है कि हम सब जानकर बहुत प्रसन्न होंगे कि ये एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ये काम करते हैं पीपल फॉर ध्याना के लिए, और इन्होंने अपना बहुत सारा रिसर्च जो है, बहुत सारा समय जो है वो एनिमल्स के साथ उनके उनके ऊपर व्यतीत किया है, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए समय निकालते हैं और उसी के बारे में इनकी रिसर्च है। तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा ये जानकर, क्योंकि हेल्थ की जब बात आती है तो फिर मेरा इंटरेस्ट बीच में आ ही जाता है। तो इसके लिए हमने आज राकेश जी को इन्वाइट किया है ताकि ये हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और हमें भी पता चले कि एनिमल्स अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हैं। अब उनके तो भाई कोई जिम नहीं होता, उनकी कोई योग क्लासेस नहीं होती, उनकी कोई डाइटिशियंस नहीं होती। तो राकेश जी, यहीं से स्टार्ट कीजिए, आप मुझे प्लीज गाइड कीजिए और हम सब व्यूअर्स को बताइए कि एनिमल्स अपने आप को फिट करने के लिए ऐसा क्या करते हैं। एनिमल्स फिट करने के, अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ भी नहीं करते, बस हम जो ये कर लो वो कर लो ना, यहीं से बीमारी की शुरुआत है। वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उनकी, जो अंदर से अपनी मिली, उनकी जीन्स में है और उनको पेरेंट्स से इनहेरिटेड है, जो वो ही उसको फॉलो करते हैं। तो जैसे मैं अक्सर इसको समझाने के लिए एग्जांपल देता हूँ कि जैसे गार्डन है, गार्डन में बहुत सारे फ्रूट लगे हैं, तो उसमें कुछ जानवर जाते हैं, जैसे एक बकरी जा रही है या हिरन जा रहा है, एक मुर्गा जा रहा है, एक कुत्ता जा रहा है। अब जो है वो अगर पेड़ों पे सेब लगे हैं तो वो पेड़ों पे सेबों को नहीं की तरफ नहीं अट्रैक्ट होगा, वो मुर्गे की तरफ जाएगा, क्योंकि उसका नेचुरल फूड वो है, उसको वही लालच है उधर। और जो हिरन है, जो हिरन है या बकरी है, और जो हिरन है वो घास की तरफ जाएगा, हाँ जी, और जो बकरी है वो श्रब्स की तरफ जाएगी, जो कांटेदार झाड़ियां है, भी नीम है, बगैन है, किक्कर है, वो किक्कर वगैरह कांटेदार पौधे वो ऐसे खाने ज्यादा पसंद करती है। तो जी, अब जब इंसान का बच्चा जाएगा तो वो मुर्गे को, जो नया छोटा बच्चा होगा जिसको कुछ नहीं पता खाने पीने का, तो वो मुर्गे के साथ जाएगा तो खेलेगा, मुर्गा या मुर्गी को उठा के खाएगा नहीं। तो हमारे बिल्कुल, तो ऐसे ही ना, जो इंसान है बड़ा होके वो क्या बुक पढ़ेगा कि किसमें प्रोटीन ज्यादा है, किसमें विटामिन ज्यादा है, किसमें मिनरल ज्यादा है, तो वो खाऊं, क्योंकि उसमें नॉन वेजिटेरियन में प्रोटीन ज्यादा है, एप्पल में कम है, ये खा लो वो खा लो, मतलब अब जो की विजन है ना वो जैसे वो शेर की है, मांसाहारी कुछ जानवर है जैसे शेर, उनकी डाइक्रोमेटिक है, तो वो दो ही रंग देख सकते हैं शेर, काला और सफेद, जबकि इंसान मल्टी कलर है, जो अपना रेटिना, अपना फोकस है, अपनी जो विजन है वो मल्टी कलर हम देख सकते हैं, लाल, हरा, नीला, पीला, सारे रंग शेर नहीं देख सकता। तो शायद कुदरत ने यही कहा उसके पीछे कि हम रंग बिरंगे फल फ्रूट सब्जियां ये सब देख के खा सकें, तो शेर ने मांसाहारी करना होता है तो उसको काला और सफेद दो ही रंग दिखाई देते हैं, वो ही दिखते हैं। तो इसका मतलब हम ऐसे समझो कि हमारा विजडम ही हमारा दुश्मन है, मतलब हमें भगवान ने सोचने की शक्ति दी, सब स्पीशीज से अलग रखा, और हम अपनी सोच समझ से ज्यादा, मतलब हमारी इंटेलिजेंस ही हमारे अगेंस्ट होगी। नहीं, एक्वायर्ड विजडम है ना, जो एक्वायर्ड है ये बुक्स से एक्वायर्ड है, वो दुश्मन है, नेचुरल विजडम नहीं हमारी दुश्मन। आप देखो, मैं देखता हूँ अक्सर, मेरे 40 साल से रिसर्च चल रही है कि दुनिया के किस कोने में डायबिटीज कम है, किस में ज्यादा है, किस कोने में हार्ट डिजीज कम है, किस में कहाँ ज्यादा है। तो मैंने देखा कि अमेजन फॉरेस्ट में एक आदिवासी प्रजाति है, ट्राइबल कल्चर के जो लोग रहते हैं उनमें हार्ट डिजीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब बताओ उन्होंने कौन पढ़ी कि कोलेस्ट्रॉल, उनको कोलेस्ट्रॉल ही नहीं पता क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड पता ही नहीं, सुना ही नहीं होगा क्या होता है, तो ब्लड प्रेशर क्या सुना ही नहीं होगा कि उसका मीनिंग ही नहीं पता, लेकिन उन्हें किसी को भी हार्ट डिजीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, वो नेचुरल अपना वो फॉलो करते हैं और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं, वो नेचुरल लाइफ जैसे आदिवासी लोग पहले जिया करते थे वैसे ही रहते हैं जी। तो ऐसे ही इंडिया में मैंने देखा कि डायबिटीज कहाँ ज्यादा है, अभी 2019 तक चंडीगढ़ डायबिटीज की कैपिटल थी इंडिया की, एक बहुत पढ़ा लिखा, हाँ जी, बहुत पढ़ा लिखा प्रदेश, यूनियन टेरिटरी है,
अब वो वहाँ हॉस्पिटल है, पीजीआई में कितने डॉक्टर हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, सब वहाँ चंडीगढ़ में काउंट होती है उनकी गिनती। मेडिकल कॉलेज है, दूसरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, सब पोस्ट ग्रेजुएट वहाँ बच्चे वहाँ प्रोफेसर हैं और पढ़े लिखे यानी है। इतने डाइटिशियंस पर 1000 पीपल, नंबर ऑफ डाइटिशियन चंडीगढ़ में बहुत ज्यादा है, देश पूरे देश से कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा है। डाइटिशियन की सलाह लेके खाने वाले लोग भी चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा, और फिर सबसे ज्यादा हाँ, हाई कोर्ट है पंजाब है हरियाणा, कितने जजेस हैं, एडवोकेट हैं, कितने पढ़े लिखे, मतलब क्या कहें, पोस्ट ग्रेजुएशन से कम होगा ही कोई नहीं, सुपर पोस्ट। हाँ जी, तो डायबिटीज की और क्या डिजीज है, उन्हें लाइफस्टाइल डिजीज। हाँ जी हाँ जी, वो डिजीज है जो हेरिडिटरी कहीं से ट्रांसफर हुआ है, हेरिडिटी मिला है, ये तो लाइफस्टाइल डिजीज है। नहीं, लाइफस्टाइल डिजीज भी अगर प्रोलॉन्ग रहे ना, पूरी अगर हमारी प्रोलॉन्ग रहे तो ये भी हमारे जीन्स में आ जाती है। दूसरे जनरेशन में तो ये जीन्स को प्रभावित करके जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है, तो फिर वो जीन्स में आगे जाने लग जाती है। और अगर ऐसे ही हमारी जीन्स में कोई बीमारी आ रही है पीछे से, तो हम अगर एक दो जनरेशन में वो लाइफ डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से वो अपने जीन्स को हम स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, वो आगे भी की जीन्स में वो बीमारी वाले जीन जाने बंद हो जाएंगे। हाँ जी, वो उसकी बजाय हेल्थी। हाँ जी हाँ जी, मतलब हमारे कंट्रोल में कितना कुछ है नेचर ने दिया। मैं वापस उसी पे आती हूँ, एनिमल्स के टॉपिक पे, कि मैं हम लोग जब देखते हैं ह्यूमंस में पोस्चरल डिफॉर्मिटीज इतनी ज्यादा होती हैं, हम ऐसे रोल करके बैठते हैं, हमें नहीं पता, आई डोंट नो हमारी एजुकेशन में क्यों नहीं हमें पता कि हमें सीधा बैठना है, स्पाइन का क्या रोल है। लेकिन मैंने कभी एनिमल्स को ऐसा नहीं देखा कि वो रॉन्ग पोस्चर पे हो, तभी तो एनिमल्स के नाम से ही इतने सारे योग पोस्चर्स बने हैं। पिजन पोज है, क्रो पोज है, देर आर लिजर्ड पोज एंड देर आर, देखो एनिमल्स को हम कॉपी करके इतने सारे आपने पोज बता दिए, क्यों नहीं ह्यूमन पोज में हम रहते, हम क्यों हमें क्रो पोज में क्रो को रहना है, डॉग पोज में डॉग को रहना है, तो हमें अपने ह्यूमन पोज में रहना है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण मैंने देखा है, हम कैल्शियम का समझते हैं कि बोन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए चाहिए, जबकि उससे भी जरूरी है विटामिन डी। विटामिन डी के बिना कैल्शियम बोन्स में मूव ही नहीं होगी, और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी चाहिए, तो प्लांट बेस्ड जो भी कैल्शियम का सोर्स होगा उसमें मैग्नीशियम ऑलरेडी होगी मौजूद, जो एनिमल सोर्स है उसमें नहीं, उसमें कैल्शियम खाली जाएगी। और हम कैल्शियम के सप्लीमेंट लेते हैं जो सारे हमारे आर्टरीज में जाते हैं। अब फॉरेन कंट्रीज में, यूरोप में और अमेरिका में हार्ट डिजीज का पहले से पता लगाने के लिए, जैसे हम ब्लड टेस्ट कराते हैं ना कोलेस्ट्रॉल के, ट्राइग्लिसराइड के, लिपिड प्रोफाइल जो हम करवाते हैं, वहाँ इससे भी एडवांस टेस्ट कराने लगे हैं, सीटी स्कैन है, कॉर्नरी कैल्शियम स्कोर, तो उससे सीटी स्कैन, हार्ट के सीटी स्कैन से पता चल जाता है कि आपके हार्ट में कैल्शियम डिपॉजिट कितने हो रहे हैं। तो हम ये सोचते हैं कि खाली कोलेस्ट्रॉल से ही डिपॉजिट होता है, नहीं, कैल्शियम भी है, कुछ और चीज भी जमती है। तो कैल्शियम जितनी हम खाएंगे, अगर धूप नहीं लेते तो वो आर्टरीज में जाएगी, इन्फ्लामेशन है, तो अगर इन्फ्लामेशन नहीं है, विटामिन डी पूरा है, और एक और विटामिन है विटामिन K2, जो आंत में रहने हमारा छोटे छोटा माइक्रोब्स हैं जो आंख से दिखाई नहीं देते वो सिंथेसाइज करते हैं, तो वो गट माइक्रोबायोम सबका डिस्टर्ब है, तो वो विटामिन K2 के बिना वो कैल्शियम का वो जो डेपोजिशन है वो बोन्स में वो भी नहीं होगा, कि उस हर एक विटामिन का अलग अलग रोल है, कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना, हड्डियों तक ले जाना, और हड्डी को इरोजन से रोकना, खुरने से, इरोजन से, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस से रोकना, वो भी इनका काम है। तो जानवर को देखो, कोई भी जानवर इंसान के अलावा कपड़े ही नहीं पहनता, वो इंसान कहता है कि धूप में जाओगे, इंसान को उल्टी पढ़ाई कराई है ना, धूप में जाओगे कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, सनस्क्रीन लोशन लगाओ, ऐसे जानवर सारे नग्न रहते हैं, तो इनको स्किन कैंसर होना चाहिए सबको। जितने प्लेयर 8-8, 10-10 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, सनस्क्रीन लगा के करते हैं, हाँ जी, उनको कैंसर होना चाहिए सबको स्किन का। और जितने मिस्त्री मजदूर है ना धूप में बिल्डिंग बनाते हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, जो पैरामेडिकल, जो अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या आर्मी है, जो मिलिट्री फोर्सेस सारा दिन बॉर्डर पे धूप नहीं, छानी, अंधेरी, बारिश, सब में वो पैरा देना होना चाहिए, ये सारा साइंस का, ये इसके पीछे भी
कारण है, बहुत बड़ा सिस्टम है जी, कभी देखा तो इससे डिटेल से बात करेंगे कि स्किन कैंसर होता है, किससे होता है, कैसे होता है। All Indians are naturally protected. जो इक्वेटर के पास रहते हैं ना, इनका रंग डार्क स्किन है, तो हम गोरा रंग चाहते हैं। जो गोरा रंग चाहेंगे ना, वो मेलाटोनिन है ना, जो पिगमेंट स्किन में जो सन की रेज जितनी एब्जॉर्ब करनी है वो ही करेगा। उसके बाद ऑटो कट ऑफ है कि जितनी विटामिन डी हो गई पूरी, उसके बाद ऑटो कट करता है वो, तो वो पिगमेंट वो ही करता है जो हम टैनिंग करता है। तो हम टैनिंग पसंद नहीं करते, पसंद नहीं करते, गोरे होने की क्रीमें लगा लो, ये कर लो, वो बस वो ही सारा कुछ कारण है कि पोस्चर। अब देखो प्लेयर है जो रेसलिंग करता है, रेसलिंग उसकी एक दूसरे की बाजू भी मरोड़ देते हैं, टांग मरोड़ देते हैं, गर्दन मरोड़ देते हैं, कुछ होता ही नहीं, कुछ होता है उनको, कुछ होता है मसल्स और बॉन्स इतनी मजबूत है, ज्वाइंट्स उनके इतनी, हाँ जी, जिमनास्टिक करते हैं बच्चे और देखो कैसे उनकी नहीं हो जाता, पोज उल्टे पुल्टे कितने बनाते हैं, वो कुछ भी नहीं होता, फ्लेक्सिबिलिटी है उनके सारे। जी जी जी। तो एक बात और, जब आपने मेरे साथ डिस्कस की थी, जब हम ये बात कर रहे थे कि हम आपके साथ इंटरव्यू करेंगे, तब आपने कहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये भी आप प्लीज बताइए कि जैसे बर्ड्स हैं वो अपना घर बनाते हैं, अब वो तो भाई कोई वास्तुशास्त्र जानते नहीं, तो जो जानवर है वो किस दिशा में सोना है, हम तो बहुत कुछ कैलकुलेशन भी करते हैं और उतने ही परेशान है, लेकिन बर्ड्स के केस में अगर हम देखें या जानवरों के केस में देखें, तो वो किस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि कैसे बनेगा और क्या डायरेक्शन होगी और किस तरह से अपने आप को करते हैं, एक्टिव रखते हैं या स्मार्टली इसे कैसे डिस्क्राइब करते हैं। जानवरों और पशु पक्षियों जितना ना कोई बड़ा साइंटिस्ट नहीं है दुनिया में, उनके बड़ा कोई इंजीनियर नहीं है, उन जैसा बड़ा कोई वास्तुकार नहीं है उन जैसा, उनका मायना बर्ड का देखो और कई बया का देखो कैसे घोंसले बनाते हैं ला के, कि दुनिया का सबसे बड़ा जो आर्किटेक्ट है ना, जो कहता है कि बुर्ज खलीफा बनाया है उसको को ये ले धागे, जो ये झाड़ फूस जो उसने घोंसला बनाया ला, जैसा बना के दिखाओ जरा इस जैसा, फिर मान्य आपको आर्किटेक्ट हो या इंजीनियर हो। तो ऐसे कोई मिट्टी लेके आते हैं, चिकनी मिट्टी का लेप करते हैं, उस मिट्टी में फिर जुगनू पकड़ के लाते हैं, एलईडी लाइटें हम लगाते हैं, वो भी प्रकाश करते हैं, कहीं जुगनू पकड़ के ला के वो गिल्ली मिट्टी पे चिपका देते हैं अंदर, कि अंदर प्रकाश रहता है उनके घोंसलों के। हाँ जी, बहुत इंजीनियर है और वो सब जानते हैं कि किस दिशा में घोंसला बनाना है, वो ऐसा पेड़ या ऐसी झाड़ी सिलेक्ट करेंगे जहाँ कोई उनको उनका बच्चों का शिकार ना कर सके, कांटेदार झाड़ी हो, ऊंची हो, ऐसा और ऐसी दिशा में रखेंगे कि जो बच्चों पे तेज धूप ना आए, नाजुक जैसे उनकी स्किन है, तो सब ऐसे पूरा ध्यान रख के बनाते हैं वो सारा। पहले रेकी जैसे होती ना, उस एरिए की रेकी करते हैं, सेफ होगा, सुरक्षित होगा सारा, फिर वो अपना घोंसला सिलेक्ट करते हैं और उस मौसम में करते हैं जिसमें एम्पल वो झाड़ फूस अवेलेबल हो उनको घोंसला बनाने के। हाँ जी, और इतना साइकिल नेचर के साइकिल से मैच है, जो क्रॉप साइकिल है अपना, फूड साइकिल है, तो उनके बच्चे तभी वो बड़े होते हैं उस मौसम में, वो हैच होते हैं जाके, एग्स बच्चे आते हैं बाहर, जिसमें ना फसलों को कीड़े या सुंडियां कैटरपिलर वगैरह लगते हैं, तो वो जाते उनको प्रॉपर खाना, हाँ वो जाके कैटरपिलर अपना सारा फूड लेके आती हैं और अपने बच्चों को खिलाती हैं, उनको सब पता है क्या प्रोटीन चाहिए, क्या चाहिए, हमारे बच्चों को कब चाहिए, कैसे चाहिए, वो नेचर से सारा लिंक है, और वो उधर हमारी फसलें बचती हैं वो कीड़ों के हमलों से। हाँ जी, पेस्टिसाइड कीड़िया खत्म कर दी तो पेस्टिसाइड ज्यादा छिड़कना पड़ेगा, और खेतों में भी जाती हैं, तो जो अपनी ड्रॉपिंग्स फेंकती हैं ना खेतों में, तो ड्रॉपिंग्स भी बहुत बड़ी खाद का काम करती हैं उनकी, और वो उसमें बैक्टीरिया होता है बहुत सारा, जैसे अर्थवॉर्म में बैक्टीरिया होता है गट में कि वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, इनकी ड्रॉपिंग्स में जब वो फेंकती हैं इनमें भी बैक्टीरिया होता है, गाय की काव डंग में भी, गाय के गोबर में भी वो माइक्रोब्स होते हैं बहुत सारे, जो उसी को डिकम्पोज करने वाले साथ ही जाते हैं उसके बैक्टीरिया के। जंगल में कभी देखो जाके, इतने जानवर रहते हैं करोड़ों की तादाद में, लाखों करोड़ों की, कभी जंगल में आपको फाउल स्मेल नहीं आएगी, कभी गंदगी नहीं मिलेगी, हमारे जैसे हिल स्टेशन पे ये नहीं कि प्लास्टिक का लीटर हमने फेंका और चश्मे लगा के फोटो खिंचवाई, सेल्फियां खिंचवाई और हम कहते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं। वेरी ट्रू, इस बात के लिए तो मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट करूंगी। बड़ा दुख होता है जब हम ऐसे जाते हैं और देखते हैं कि लोग, हम लोग सब
हमें बड़ा इंसान को समझदार स्पीशीज बोला गया है, तो हम अपनी समझदारी आई डोंट नो अपनी कहाँ छोड़ रहे हैं, तो ये चीज का बड़ा दुख होता है। फिर मुझे लगता है कि वी लुक अप टू दी अदर स्पीशीज, तभी मैंने आज आपसे बात करना उसे समझा कि आप ही समझाइए कि जानवरों से ही हमें कुछ सीख लेना चाहिए, क्योंकि वो तो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, उन्होंने इस प्लेनेट को खराब नहीं किया, हमने ही एक्चुअली किया। तो तभी मेरा पर्पस था आपसे इस बारे में बात करना। जानवरों का फूड देखो, कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते, ये तो जबरदस्ती हम घर में कोई पेट रखते हैं, उसको खिलाते हैं, तो जितना ज्यादा प्रोसेस करेंगे उतना कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा होगा। तो जानवर नेचुरल फूड खाते हैं और उनका घोंसले जो है ट्रूली, हम कहते हैं ना कि घर बना लिया ईंट का सीमेंट का और ऊपर से सोलर सिस्टम लगा दिया, दो पेड़ लगा दिए, वो कहते हैं ग्रीन हाउस। असली ग्रीन हाउस, असली जो ग्रीन हाउस है वो एनिमल्स और बर्ड्स के हैं, जो एक एक चीज उनकी नेचर से लेके झाड़ और पूरे डीकम्पोज होने वाले होते हैं, वो सारे असली ग्रीन हाउस उनके होते हैं, सारे उनके होते हैं। हाँ जी जी, मतलब दिस इज टू गुड एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू टॉक टू यू, ऑल्दो हमारा टाइम इतना ज्यादा नहीं होता कि हम बहुत लंबा टॉक करें, लेकिन आई एम श्योर जिन्होंने भी आपकी ये बात सुनी होगी और इससे कोरिलेट कर पाएंगे और शायद हम भी ये बात समझ सकें। जाते जाते एक और प्रश्न पूछूंगी, जब जानवर बीमार होते हैं, अब हम बीमार होते हैं तो हम तो स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं और फिर तरह बीमारी में भी नई तरह का खाना बना के खाते हैं और फिर नई नई दवाइयां भी लेते हैं, वेराइटी की रंग बिरंगी और महंगी और सस्ती, तो जानवर तो नहीं भाई, लेके चलिए जो पेट्स हैं वो तो ले जाते हैं लोग, उनको अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो हम बात करें वाइल्ड एनिमल्स की और जो रोड पर डॉग्स हैं कैट्स, इनको ये अपने आप को कैसे ठीक करते हैं? देखिए, हम ना बीमार होते नहीं है, हम जानबूझ के अपने आप को बीमार करते हैं। रोज हम सुबह से लेके शाम तक हमारा जो जीवन है, खाना पीना और लाइफस्टाइल और स्ट्रेस, इतना जो हमारे जो ब्रेन हमारा बहुत डेवलप्ड है ना, यही हमें मोक्ष दिलाने वाला है, शांति मेडिटेशन के रास्ते पे, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलें, और अगर गुस्से क्रोध मान माया लोभ इस रास्ते पे चलें, यो तो कैटाकोलामिन्स कहती है साइंस कि बहुत बड़ा कारण है उसका बीमार होने का। तो कैटाकोलामिन्स पे कभी विस्तार से बात करेंगे, साइंटिस्ट सब घूम फिर के इसी पर आ रहे हैं। तो जानवर हैं वो जब बीमार होते हैं, वो मैंने देखा है जो डॉग्स को खास तौर पे, वो खाना पीना कुछ नहीं खाते और पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं, पानी पीते हैं, पानी सिर्फ पानी ही पीते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पीते हैं और खाना सॉलिड फूड छोड़ देते हैं बिल्कुल। और हम कहेंगे कि कमजोरी हो गई तो दलिया खा ले, पेशेंट कहेगा भूख नहीं है, दिल नहीं कर रहा, नहीं तो खा ले, नहीं तो खिचड़ी खा ले, हाँ तू ये खा ले कमजोर हो जाएगा। तो जानवरों को मैंने ऐसे देखा कि वो जब ठीक हो जाते हैं शुरू कर देते हैं। और जानवरों के बारे में वो बातें और बताना चाहता हूँ मैं, जैसे हम कहते हैं ना हमने इतनी तरक्की की है कि गूगल मैप हमें लगाना पड़ता है, कहीं भी जाना हो 10 किलोमीटर भी जाना हो हम उसके कहते हैं लोकेशन भेज दे तो हम आएंगे मैप लगा के। तो जानवरों के पास गूगल मैप पहले से ही है, वो 5,000 किलोमीटर साइबेरिया से हमारे भरतपुर सेंचुरी और ईरान और इधर सारे देशों में, जब वहाँ बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है -50 -50 ऐसे, तो उससे पहले ही वो इधर आते हैं, सारा 3,000 किलोमीटर 3,500 किलोमीटर कोई 5,000 किलोमीटर से आते हैं, तो सारा तारों से ग्रहों से इधर से इनसे सारा रास्ता देख के आते हैं, एग्जैक्टली उसी जगह आते हैं जहाँ वो हर साल आते हैं अपने, और वहीं पर अंडे देते हैं, बच्चे फिर वो निकलते हैं, बच्चों छोटे छोटे को साथ उड़ा के ले जाते हैं, कुछ पक्षी यहाँ देते हैं, तो बच्चे एक ही बार में रास्ता जान जाते हैं, वहां जाते हैं, अगली बार फिर वो उसी रास्ते से आ जाते हैं सारा। देखो रास्ते में विश्राम करना, कहाँ भोजन करना, कहाँ रुकना, सारा कुछ जैसे हमारा ट्रिप होता है ना, प्लान करके जाते हैं 3 दिन 4 दिन घूमने के लिए, होटल की बुकिंग ये वो खराब उनकी भी सब बुकिंग होती है नेचर में, पहले नेचर ने करके रखी हुई है सब उनकी। और एक चीज और, मैंने जानवरों के पक्षियों के बारे में खास तौर पर देखा कि जब मैं जाता हूँ अक्सर मत्तेवाड़े के जंगलों में, तो मैं देखता हूँ कि पक्षियाँ चिड़िया वहां मुझे कहती है, बोलती है, जैसे ऐसे महसूस होता है, बातें करती है, वो कहती है तू हे तू कहता है कि बहुत समझदार हो गया है, पढ़ गया है, तो तूने डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली है, और कभी कोई औरत प्रेग्नेंट हो तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है, वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी लिखती है उसपे, सबसे पहले कैलकुलेट करके वो डेज नंबर ऑफ वीक्स, तो कहते उस डेट पे होती है अक्सर वो डिलीवरी। और किसी इंसान रेलवे स्टेशन पे न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं होती है, कहीं किसी की भी, किसी की सड़क पे और प्लेसेस पे भी, तो चिड़िया कहती है हे मानुष क्या तूने कभी देखा है किसी चिड़िया को अपने घोंसले से बाहर देते हुए?
तो उनको सब पता है कैसे बच्चे पैदा करने हैं, कब करने हैं, और घोंसले भी होता है उनका, नहीं होता स्टेशन पे हो गया, सड़क पे हो गया, इधर हो गया, जो उन्होंने घोंसला बनाया होता है उसी में होता है, उसके उसी में ही देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो वो कहते हैं एमडी गायनी बताओ आपने की है या हमारी एक एक पक्षी जाति के एक एक पक्षी ने की हुई है कुदरत से एमडी। बिल्कुल हाँ जी एब्सोल्युटली, ये तो लाइन आपकी इतनी टची है, मुझे लगता है ये जब हम आई ओपनर रहेंगी ये लोगों के लिए, सुनने वालों के लिए कि हे मानुष तू भी अब जरा नेचर में रहना सीख और इसी के साथ कनेक्ट रह, फिर तुम्हें कुछ नहीं होगा, फिर तो आप हेल्दी हो, फिर तो ये जो आर्टिफिशियल चीजों से हम अपने आप को स्मार्ट दिखाने की जरूरत समझते हैं वही हमारा दुश्मन है। बहुत अच्छा लग रहा है राकेश जी आपसे बात करके, तो फिर दोबारा से हम आपसे जरूर जुड़ेंगे एक डिफरेंट टॉपिक के साथ जी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद राधे राधे।